पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। हाईकोर्ट से लेकर राजनीतिक दल कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा की जमीनी रिपोर्ट के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। यह टीम कोलकाता पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार को जमकर लताड़ लगाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति वाम दलों से भी बदतर हो गई है। उन्होंने ममता बनर्जी को टारगेट करते हुए कहा कि आपकी राजनीति अत्याचारों से भरी क्यों हो गई है, हमें जवाब चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य में हर चुनाव के दौरान कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है तो वह चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान 48 लोगों की हत्या एक शर्मनाक लोकतंत्र का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित उम्मीदवारों को टीएमसी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा कहा जा रहा है कि उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है।